स्वागत है आप सभी का सोलरबल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल की ड्यूरेबिलिटी के बारे में, यानी कि एक सोलर पैनल के ऊपर कितना प्रेशर लगाया जाए जहां तक सोलर पैनल नहीं टूटेगा। ज़्यादातर आप में से लोगों का सवाल आया है कि सोलर पैनल के ऊपर बंदर कूदते हैं, अगर बंदर कूदेंगे तो क्या सोलर पैनल टूट सकता है या फिर नहीं टूटेगा। इसके अलावा ओले गिरते हैं तो इन सब के अंदर क्या सोलर पैनल टूट सकता है। इसके साथ साथ में हम जानेंगे कि कैसे क्या क्या रीज़न रह जाते हैं जिसके कारण जो हमारे सोलर पैनल है वो टूट जाते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि जो सोलर पैनल टूट जाते हैं उनका हम क्या करेंगे, कैसे उनको रिपेयर किया जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं सोलर पैनल की ड्यूरेबिलिटी से। एक सोलर पैनल इतना मजबूत होता है कि आप इसके ऊपर 100 किलो से अगर ज़्यादा भी वजन रख दोगे तो इतनी आसानी से यह नहीं टूटने वाला है। इसका जो मेन कारण होता है कि हर सोलर पैनल को बनाने के बाद कंपनी क्या होती है कि पर्टिकुलर हर सोलर पैनल के ऊपर टेस्टिंग करती है। यहाँ पर क्या होता है कि लगभग 120 किलोग्राम तक का यहाँ के ऊपर वजन दिया जाता है, जिसके बाद में क्या होता है कि इसकी पूरी टेस्टिंग होती है, उसके और एक जो रिपोर्ट बनती है वो बैक साइड में आपको लगा के दी जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी सोलर पैनल के ऊपर आप देखेंगे कि नॉर्मली जो सोलर पैनल होते हैं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। अब बात कर लेते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण सोलर पैनल आसानी से टूट जाता है। यहाँ पे जो सबसे पहले बड़ा कारण आ रहा है वो है सोलर सिस्टम का गलत तरीके से इंस्टॉलेशन करना। अगर आपके जो सोलर पैनल है वो स्ट्रक्चर के ऊपर सही तरीके से फिट नहीं किए जाएंगे तो क्या हो सकता है, तेज़ हवा चलने के कारण वो पूरा सिस्टम ही वहाँ से जहाँ पे है वहाँ से उड़ के कहीं साइड में गिर सकता है, या फिर वहाँ से पैनल निकल के साइड में गिर गया तो पैनल का नुकसान हो सकता है। साथ ही अगर वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाता है तो वहाँ पर उसको भी चोट लग सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो देखनी होती है कि सोलर सिस्टम का सही तरीके से इंस्टॉलेशन किया गया हो। दूसरा कारण है पत्थर लगने से सोलर पैनल का टूटना। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे खेलते अगर कहीं पर कांच दिख गया तो क्या करते हैं, पत्थर उठा के मार देते हैं। तो यही चीज़ सोलर पैनल के साथ भी है। काफ़ी सारी जगह ऐसा होता है कि बच्चे खेलते वक्त पत्थर उठा के सोलर पैनल के मार देते हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर छोटा पत्थर होता है तो सोलर पैनल के कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ा पत्थर अगर कोई नुकीला पत्थर सोलर पैनल के लग गया तो ऐसे में सोलर पैनल टूट सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके सोलर सिस्टम के अंदर अगर एक या दो पैनल टूट गए हैं तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आपके यहाँ पे 3, 5, 10 या उससे ज़्यादा किलोवाट का कोई सोलर सिस्टम लग रहा है और अगर एक पैनल टूट जाता है तो आपको एक ही चीज़ आप जो कर सकते हैं कि उस पैनल को निकाल के आप रद्दी में बेच दीजिए और एक नया पैनल खरीद के उसकी जगह लगा सकते हैं। अगर आपको वो पैनल काम में लेना है तो उस पैनल को आप क्या कर सकते हैं, अलग से काम में ले सकते हैं। उस पैनल को आप जो रिपेयर करके जो हम आगे आपको बताने वाले हैं उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसको रिपेयर करके एडिशनल किसी काम में ले सकते हैं। लेकिन पूरे सोलर सिस्टम में उसको लगाए रखना रिस्की काम है, क्योंकि उसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वहाँ पे अगर स्पार्किंग होती रहेगी। तो यहाँ पे पहली सुजेशन आपको यही रहेगी, जो सोलर पैनल टूटा है उसको आप निकाल के रद्दी में दे दीजिए या फिर किसी अलग तरीके से काम में ले लीजिए और वहाँ पे नया पैनल कनेक्ट कर लीजिए। अब आगे जो हम आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से आप उस सोलर पैनल को काम में ले सकते हैं, क्योंकि ये सोलर पैनल जैसा आप देख सकते हैं ये एक फूटा हुआ सोलर पैनल है। यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे इस जगह पे इसके हुआ है, जिसके कारण ये सोलर पैनल पूरा बिखर गया है। अब सोलर पैनल के अंदर क्या होता है, टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कहीं पे भी अगर प्रेशर गिरेगा तो पूरा सोलर पैनल बिखर जाएगा, यानी कि इसके अंदर कहीं पे भी प्रेशर होगा तो उससे पूरे सोलर पैनल के अंदर कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास जो एक तरीका बचता है कि यहाँ पे क्या ये सोलर पैनल काम तो कर रहा है, लेकिन क्या है कि अगर इसके ऊपर पानी लग गया तो ये सोलर पैनल क्या है कि अंदर इस पर स्पार्किंग शुरू हो सकती है या फिर जो करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे कोई दिक्कत आ सकती है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि दोनों पैनल से हमें कितना कितना बिजली का प्रोडक्शन मिल रहा है, क्योंकि पैनल टूटने के बाद भी बिजली बनाता रहता है। तो सबसे पहले जो 125 वाट का सही पैनल है इसके वोल्टेज चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पैनल से लगभग हमें 21.1 वोल्टेज मिल रहा है इससे। अब यही चीज़ हम टूटे हुए जो पैनल है इसकी भी चेक कर लेते हैं कि इससे लगभग हमें कितना मिल पा रहा है। लगभग जो वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे हमको मिल रहा है 20.9 का, यानी वोल्टेज भले टूटा हुआ हो या फिर नया पैनल हो, दोनों में वोल्टेज एक समान ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आएगा वो आएगा एम्पियर का। तो अब सबसे पहले जो एम्पियर चेक कर रहे हैं वो टूटे हुए पैनल के एम्पियर चेक कर रहे हैं, तो ये देख सकते हैं 2.70 एम्पियर इससे मिल पा रहे हैं। अब यही चीज़ हम चेक करते हैं जो सही पैनल है उससे हमें लगभग कितना मिल पा रहा है, तो लगभग यहाँ पे हमें 7 एम्पियर करंट मिल रहा है। दोनों को सेम कंडीशन में चेक किया है और बस ये, यानी कि लगभग जो टूटा हुआ पैनल है वो इसका आधा प्रोडक्शन कर पा रहा है। अब यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया कि ये पैनल काम कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पर दिक्कत है कि अगर इस पैनल के अंदर पानी चला जाता है तो क्या होगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है इस पैनल के अंदर। तो इस केस के लिए क्या होगा कि हम इसके ऊपर कोई कोटिंग कर सकते हैं इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए।
तो मार्केट के अंदर क्या एक वार्निश मिलती है, वुडन वार्निश या फिर नॉर्मल जो वार्निश आती है, उसकी क्या होगी कि अगर इसके ऊपर हम एक या दो लेयर चढ़ा देंगे तो जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ पे ये पैनल टूटा हुआ है यहाँ से जो पानी है वो अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे कोटिंग हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से ये वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो लगभग ये दो चीज़ें मैं खरीद के लाया हूँ मार्केट से, मुझे 100 रुपये की ये दोनों मिला के पड़ा है। 35 रुपये का ये ब्रश है और लगभग 65 रुपये की ये जो आपको वार्निश की डब्बी है ये मिल जाएगी। यहाँ पे एक कोटिंग इसके ऊपर करेंगे और इसको सुखाएंगे, फिर वापस एक और कोटिंग कर देंगे इसके ऊपर, जिससे क्या होगा अगर बारिश के अंदर भी ये पैनल रहता है तो इस पैनल के अंदर पानी नहीं जा पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैनल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डैमेज हुआ हुआ है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है क्योंकि ये प्रेशर यहाँ पर गिरा हुआ है, ये पूरा बिखर गया है यहाँ से। तो अगर ज़्यादा डैमेज है तो उस केस के अंदर एक ही ऑप्शन है कि उसको आप काम में ना ले, उसको साइड में डाल दें, लेकिन अगर कम डैमेज है तो उस केस के अंदर आप काम में ले सकते हैं। अगर आप इसको काम में ले रहे हैं और आप वार्निश लगाने जा रहे हैं तो इससे पहले एक चीज़ और चेक कर लीजिए कि यहाँ पे जो आपका पैनल हो इस पैनल के ऊपर कहीं पे भी कोई मिट्टी वगैरह नहीं हो, इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसको जो पैनल आप देख पा रहे हैं मैंने काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लिया है तो मुझे इसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो करना कुछ नहीं है, जो आपकी वार्निश की डब्बी है इसको आप ओपन कर लीजिए। तो अब करना क्या है कि इसके ऊपर आप इसकी एक या दो कोटिंग लगानी है हमें, तो सबसे पहले एक कोटिंग लगा देते हैं और इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहां पर पूरे पैनल के ऊपर तो हमने कोटिंग कर दी, लेकिन जो खास तौर पे आपको ध्यान देना है वो देना है कॉर्नर का, क्योंकि कॉर्नर से भी यहां पर जो है कि अंदर की साइड में पानी जा सकता है, तो यहां पर भी काफी अच्छी मात्रा में आपको इसको अप्लाई करना है। अगर ये ज्यादा आपको गाढ़ा भी लग रहा है तो इसके अंदर आप केरोसिन या जो मिट्टी का तेल होता है या फिर थिनर, इनमें से जो चीज़ आपको मार्केट में अवेलेबल हो रही है इजीली, वो इसके अंदर मिला सकते हैं जिससे ये थोड़ा और पतला हो जाएगा है। तो एक बार अच्छी तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है हमने, अब इसको क्या करना है आपको थोड़ी देर सूखने के लिए रखना है। अब बारी आती है इसके ऊपर वापस हमको एक कोटिंग और करनी होगी, जिससे क्या होगा पूरी तरह से ये वाटरप्रूफ हो जाए, इसके अंदर पानी ना जा सके। तो अच्छे से एक बार और इसके ऊपर अप्लाई कर दीजिए, जो कोने अगर कहीं पर रह गए तो वापस इसको सही तरीके से आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हमने दूसरी कोटिंग भी कर दी है, अब इसको देना है थोड़ा समय सूखने के लिए, उसके बाद ट्राई करेंगे इससे कितने एम्पियर मिल पा रहे हैं, क्या एम्पियर में कमी आई है, क्या ज़्यादा हुए हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ा है, इसके बाद में और चेक करेंगे कि अब इसके ऊपर पानी डाल के देखेंगे कि क्या इसके अंदर पानी जा रहा है या फिर नहीं। तो एक बार लाइव टेस्ट करके देख लेते कि इसके ऊपर पानी डाल के कि क्या होता है कि इसके अंदर कोई पानी वगैरह जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अच्छे से एक बार इसको आप पैनल को गीला करके देख सकते हैं ऐसे में कि क्या होता है इसके ऊपर पानी डालने पर। तो आप अच्छे से जो भी आपका सोलर पैनल है उसके कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर पानी डालिए, और पानी डालने के बाद आपको क्या करना है कि आपके सोलर पैनल को चेक करना है कि वो जो टूटा हुआ है इसके अंदर तो कहीं पे पानी नहीं गया। तो हमारे केस में जहाँ तक मैं सोलर पैनल को देख पा रहा हूँ कहीं पर भी अंदर की साइड में पानी नहीं गया है, जिसका मतलब है कि पैनल के ऊपर अच्छी तरीके से कोटिंग हो गई है, इससे ऊपर आप कोई टेंशन की बात नहीं, इसको आप काम में ले सकते हैं। तो अब क्या करते हैं इससे चेक कर लेते हैं हमें कितना एम्पियर मिल रहा है और इसको कहाँ कहाँ पर अब हम काम में लेंगे। अब हम चेक करने वाले हैं इससे हमें कितने एम्पियर मिल रहे हैं। तो एम्पियर चेक करने के लिए आपको जो न्यूट्रल वायर है उसको न्यूट्रल में लगाना होगा, जो फेज का वायर है उसे फेज में कनेक्ट करना होगा। तो लगभग आप इससे देख सकते हैं कि इस सोलर पैनल से हमें 2.30 या फिर 2.50, अभी आप जैसे जैसे ये धूप के ऊपर है धूप जैसे जैसे बढ़ती रहेगी घटती रहेगी उस हिसाब से होगा। तो यहाँ पे एक एवरेज बताऊँ तो 2.70 एम्पियर इससे मिल पा रहे हैं, जो कि पहले जितने मिल रहे थे लगभग उतने ही आपको अभी इस पैनल से मिल पा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि इसके अंदर स्पार्किंग जो होने वाली थी उसके चांसेस कम हो गए हैं। जो हमारा दूसरा पैनल जो परफेक्ट है एकदम, उससे लगभग हमें 7 एम्पियर के आसपास मिल पा रहे हैं, यानी कि 6.9 यहाँ पे बता रहा है, जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, जो कि लगभग उस जो टूटा हुआ पैनल है उससे डबल है। लेकिन क्या हो रहा है कि एक टूटा हुआ पैनल भी हम काम में ले पा रहे हैं इससे, ये चीज़ हमारे लिए एक फ़ायदे का ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। साथ ही इसके साथ में अगर आप ऐसे कहीं गाँव के इलाके में रहते हैं और आपके पास एक पैनल ही है टूटा हुआ, यानी कि ऐसा एक टूटा हुआ पैनल, तो आप उसको रिपेयर करके आपके किसी नॉर्मल डीसी उपकरण को चलाने के लिए काम में ले सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ये डीसी फैन है जो आपको मार्केट में इजीली 300 रुपये के आसपास में मिल जाएगा है। तो आप 125 वाट के एक टूटे हुए पैनल से लगभग ऐसे 3 से 4 पंखे आराम से चला सकते हैं, या फिर अगर LED बल्ब अगर आपको चलाना है या बैटरी चार्ज करनी है छोटे कोई साइज़ की, तो आप उससे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पंखा है, ऐसे अगर मैं 3-4 पंखे भी इस टूटे हुए सोलर पैनल से लगा दूंगा
तो काफ़ी अच्छे से काम कर जाएंगे। और अगर तेज़ गर्मी के अंदर अगर लाइट गई हुई है, वैसे में अगर आप एक टूटे हुए पैनल से हमारे को इतनी अगर वो मिल जाए हवा और रोशनी, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद। तो ऐसे में आप इस पैनल को काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सिस्टम है तो जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पे उस पैनल को आप रिप्लेस कर लीजिए। उस पैनल को आप इस तरीके से अलग से कहीं पे कुछ बनाने के लिए कुछ चीज़ों में काम में ले सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।